हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन और सूजी के लड्डू। अगर आपने इस रेसिपी से बेसन और सूजी के लड्डू बना लिए तो आपको मार्केट के बेसन के लड्डुओं का टेस्ट इसमें आने वाला है। तो देख लीजिए रेसिपी और बना लीजिए बड़ी ही आसानी से मार्केट स्टाइल बेसन और सूजी के लड्डू। कढ़ाई गैस पर रख दी है, अब इसमें डाल देना है घी। आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में बना लें। किचन की कोई भी कटोरी सेट कर लें, उसी के हिसाब से सारा मेजरमेंट कर लें। मैंने ये कटोरी ली है कि मैं 2 कटोरी बेसन लूंगी। इसी कटोरी से नाप के 2 कटोरी बेसन में ले लूंगी। थोड़ा सा घी बचा लेना है, सारा नहीं डाल लेंगे पहले। अगर आपके पास किचन वाले कप हैं तो आप उससे नाप कर बेसन, घी और चीनी नाप लें। 1 कटोरी, 2 कटोरी। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही बेसन को भून लेंगे। पांच से सात मिनट हो गए हैं बेसन को भूनते हुए, हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है बेसन में से, लेकिन इसको अच्छे से भूनना है। बढ़िया से लड्डू बनाने हैं ना हमें। इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सूजी, इसको भी साथ में ही भून लेना है। अब इसमें बाकी का बचा हुआ घी भी डाल देना है, जो रखा था ना बचा के, वो घी इसमें डाल देना है। 1 बड़ा चम्मच ये भी डालना है। बेसन की खुशबू तो लाजवाब होती ही है, सूजी की भी अपनी अलग ही खुशबू होती है। बेसन और सूजी की खुशबू कितनी लाजवाब आ रही होगी इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। बाकी का बचा हुआ घी भी इसमें डाल देना है। बस 2 मिनट तक इसको और पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। बेसन और सूजी को बस इतना ही भूनना है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन इसको भी चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसके बाद इसमें चीनी डाल देंगे। तो कढ़ाई को मैंने उतार लिया है गैस से, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें चीनी डालनी है। इसको इतना ठंडा होने देना है जिससे कि चीनी मिक्स करते वक्त हम इसको हाथ से मिक्स कर सकें, अच्छे से छू सकें। तो बेसन ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब इसमें मिला देनी है चीनी। जिस कटोरी से नाप कर मैंने बेसन और घी लिया था उसी कटोरी को नाप कर मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है। चीनी का बूरा लिया है, चीनी को मैंने घर पर ही पीस लिया। चीनी को ले और मिक्सी में पीस लें, वही चीनी डालनी है इसमें। आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम डाल लें चीनी, मिक्स कर देना सबको। तो सारे चीनी के बूरे को मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अगर लड्डू बंद नहीं रहे हैं तो इसमें घी और डाल लें, और अगर ज़्यादा पतला हो गया है मिक्सचर तो थोड़ी देर फ्रिज में रख लें। मिक्सचर सख्त हो जाएगा और लड्डू आराम से बन जाएंगे। इस टाइम आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है। मेजरमेंट का आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी ये मिक्सचर जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। 2 कटोरी बेसन में और 1/4 कटोरी घी डाला है। 1/4 कटोरी मतलब 1 कटोरी से थोड़ा सा कम घी डाला है। अब इसके लड्डू बना लेने हैं। जितने बड़े या छोटे आप जिस साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हैं उतना ले लें और इस तरह से लड्डू की शेप दे दें।
बिल्कुल परफेक्ट बन गया है मिक्सचर। इस तरह से शेप देते जाएं और लड्डू बनाते जाएं। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेने हैं। तो सारे लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो इसको गार्निश कर रही हूँ मैं काजू और बादाम से। कुछ पर मैं बादाम लगा रही हूँ और कुछ पर काजू लगा रही हूँ। ड्राई फ्रूट आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो स्किप कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, बना के तैयार कर लिए हैं मैंने बेसन और सूजी के लड्डू। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये और सॉफ्ट भी बनते हैं बहुत। एक तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। मार्केट स्टाइल के बनते हैं, इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके लड्डू भी इसी तरह से सॉफ्ट बनेंगे। तो आप भी बेसन और सूजी के लड्डू बनाइए, खाइए, खिलाइए। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।